बहुत प्यारे बच्चों, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 13 जंगल की राम कहानी, इस पाठ के दिए गए यहाँ पर जो आपको पंक्ति दिए हैं उनके अर्थ को हम पढ़ेंगे, है ना। जंगल, जंगल के बारे में हमने पढ़ा है। जंगल से जो है हमें शुद्ध हवा मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है, फल फूल मिलते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो जंगली जानवर हैं वो उनके रहने का प्रमुख ये केंद्र है, ठिकाना है, है ना। वहाँ जंगल में वो पूरी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, ठीक है। तो जंगल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी पंक्ति। यहाँ से देखिए, पहला पंक्ति है, सुनो सुनाओ गा भाई मन जंगल की राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। जंगल मरिहिन पुरखा मन, जन्म करम जंगल माँ। जंगल की फल फूल ल खाके, बाढ़िन ओखे बल माँ। जंगल कभू नहीं मांगे कुछो, ओहर अड़बड़ दानी। सुना सुनाओगा भाई मन जंगल की राम कहानी, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पहला पंक्ति है, ठीक है। अब पहले पंक्ति में क्या बता रहा है, देखिए जंगल के बारे में बता रहा है ना। सुनो सुनो भाइयों जंगल की राम कहानी, है ना। जंगल ही हमारे सगे संबंधी हैं, है ना। जंगल ही हमारी जिंदगानी है। हमारे पूर्वज जंगल में ही रहते थे, जंगल के फल फूलों को खाते थे, खाकर ही वे बलशाली बने। जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, है ना, कुछ भी नहीं मांगता है। वह बहुत दानी है, वह हमें देने का काम करती है, जैसे कि फल फूल, है ना, कंदमूल पत्ते, इमारती लकड़ियाँ आदि। यही जंगल की कहानी है, ठीक है। तो यह है आपके पहले पंक्ति का अर्थ। जंगल जो है हमेशा हमको क्या करता है, देता है, हमसे कुछ भी चीज़ नहीं लेता, वो बहुत दानी है, है ना। फल फूल देता है, कंदमूल देता है, इमारती लकड़ियाँ देता है, ठीक है। तो ये पहले पंक्ति का अर्थ है। अब दूसरा पंक्ति देखिए, जंगल माँ मंगल कही थे जिन सच है 16 आना। जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ है वहाँ कारखाना। वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओनो है राजधानी। सुनाओ सुनाओगा भाई मन जंगल की राम कहानी, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा पंक्ति है, ठीक है। अब जंगल, जंगल के बारे में फिर से बता रहे हैं कि प्रदूषण वहाँ रहता है क्या, नहीं रहता, है ना। जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगल में ना फैक्ट्री है ना कल कारखाने होते हैं, जिससे वहाँ प्रदूषण नहीं होता। शहर में प्रदूषण होता है, जंगल में प्रदूषणकारक चीज़ें नहीं होती। जबकि शहरों में गाड़ी मोटर कारखाने आदि से प्रदूषण होते हैं, जंगल में शुद्ध हवा मिलती है। सुनो भाइयों यही जंगल की कहानी है, है ना। जंगल में जो है ना तो गाड़ी मोटर है ना तो फैक्ट्रियां हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से तो प्रदूषण होता है। तो ये सब चीज़ें है ही नहीं, वहाँ क्या है, शुद्ध हवा मिलती है, है ना। तो यही जो है जंगल की कहानी है, ये जो है दूसरा पंक्ति है आपका, ठीक है। अब पंक्ति नंबर तीसरा देखिए, राम किशन ला जाने हमन यही जंगल के खातिर। गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल माँ घर के बाहर। जंगल घरे तपोभूमि कारे सदा अगवाही, करे सदा अगवाही। सुनो सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी, है ना। अब जंगल में कौन कौन जाके क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो सब बता रहा है यहाँ पर, देखिए तीसरे पंक्ति में, है ना। देखिए क्या बता रहा है, जंगल में राम जी तथा माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास किया था। कृष्ण ने जंगल में गाय चराई। इसी जंगल में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान, है ना, जंगल पूर्वजों के समय तपोभूमि रही, क्योंकि ऋषि मुनि यहीं आकर तपस्या करते थे। यही जंगल की राम कहानी है, है ना। पंक्ति तीसरा बहुत ही सुंदर है, देखिए क्या बता रहा है कि जो राम जी लक्ष्मण जी और माता सीता थी, वो 14 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया उन्होंने, जंगल में ही बिताया, है ना। मेन जो उनकी चरित्र का चित्रण है वो पूरी तरह से जंगल में ही है,
है ना। तो उन्होंने जंगल में अपना 14 वर्ष वनवास बिताया। कृष्ण जी जो कि जंगल में ही गायों को चराते थे, है ना, अपना अधिकांश समय जंगल में ही बिताते थे। और जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ज्ञान कहाँ मिला, जंगल में ही मिला। और जो जंगल है वो हमारे पूर्वजों का तपोभूमि है। कैसे है, जो ऋषि मुनि थे, है ना, वो कहाँ तपस्या करते थे, उन्हें कहाँ ज्ञान मिलता था, जंगल में ही तपस्या करते थे, उन्हें वही ज्ञान मिलता था। तो जंगल जो है वो क्या है, हमारी तपोभूमि है, कर्म भूमि है, है ना, ठीक है। जंगल से कोई भी महान पुरुष या भगवान दूर नहीं रहा है, है ना, ठीक है। तो यही जो है जंगल की राम कहानी है। अब देखिए पंक्ति नंबर 14 क्या है, यहाँ देखिए ये है पंक्ति नंबर 14, बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी, जंगल के कृपाले भाई, जिए सकल परानी, सुनो सुनो का भाई मन, जंगल की राम कहानी, है ना। तो ये है आपका पंक्ति 14 पंक्ति, लास्ट पंक्ति दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, देखिए जंगल से ही वर्षा होती है, बिना जंगल के बरसात नहीं होगी, है ना। पानी बिना इस संसार के जीव जंतु प्राणी नष्ट हो जाएंगे, कोई राजा और रानी नहीं रहेगा, है ना। जंगल की ही कृपा से सभी जीव जगत विद्यमान है। सुनो भाइयों, यही जंगल की कहानी है, है ना। अगर देखिए जंगल नहीं रहेंगे तो वर्षा होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि जंगल जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से वर्षा होती है। तो अगर वर्षा ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में जीव जगत जो है वो जीवित रहेगा क्या, जीव प्राणी बिल्कुल नहीं रहेगा, बिना पानी के तो मर जाएंगे, है ना। तो ना तो कोई राजा रहेगा और ना रानी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कृपा किससे है, जीव जंतु किससे जीवित हैं, जंगल की वजह से, क्योंकि जंगल ही पानी को आकर्षित करते हैं, जंगल की वजह से ही वर्षा होती है, ठीक है। तो यही कहानी है भाई जंगल की, सुनो सुनो भाइयों, जंगल की यही कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 13 जंगल की राम कहानी, इस पंक्ति के आप अर्थ अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।